हमें बताएं कि ये जो पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन है, ये किस तरह से काम करती है और अभी तक कितने बच्चों को ट्रीट कर चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन 2010 से अपने मिशन में रवा है। हमारा मेन मकसद है जी, ऐसे बच्चे जो दिल का मर्ज लेकर पैदा होते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाए। जी, जैसे आपने कहा, पहला बहुत बड़ा चैलेंज है कि अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। तो हर साल 100 में से एक बच्चा पाकिस्तान में ये मर्ज लेकर पैदा होता है। अच्छा जी, और इसका मतलब है कि 60,000 बच्चे सालाना ये मर्ज लेकर पैदा हो रहे हैं। अल्लाह हुक्म। और हमारे पूरे मुल्क में सिर्फ 12 से 15 बच्चों के हार्ट के सर्जन है और मौजूद है जी, 50 से 60 कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अब इमेजिन ये 60,000 बच्चों के लिए देयर नॉट इनफ। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो पहली बात है कि हम एज ए नेशन इस मसले को मसला कंसिडर करें। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है जी, अवेयरनेस पर बात करते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ पर बात करते हैं, पैदाइशी दिल के मसले पर बात करते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है जी, हम अपने बच्चों के दिल का पहला हॉस्पिटल बना रहे हैं। जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी पूरे मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे अगर 30-35 साल पहले की बात बताऊँ तो कैंसर का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मौजूद नहीं था, वो बन गया है। तो अब माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कोई 30-40 जगहों पर कैंसर की ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो हमारा भी ये विजन है कि बच्चों के दिल का पहला हॉस्पिटल बन जाए, उसके बाद हम पूरे मुल्क में कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस। अच्छा, ये कहाँ बन रहे हैं पहला हॉस्पिटल? जी ये जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने कैंपस में जगह दे दी थी, ये 2021 की बात है, और उस वक्त से हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो गया और इंशाल्लाह कोशिश करें इस साल के आखिर में हम इसकी ओपीडी आउट पेशेंट को एक्टिवेट कर सकें। अभी तक इस पर 80 करोड़ रुपया लग चुका है, लागत आ चुकी जी, लग चुका है जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अभी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है हमारा। नेक्स्ट हमारा हदफ है कि तकरीबन 2 अरब का डेफिसिट है, ये कंप्लीट होता है तो हमारा ओपीडी शुरू हो जाएगा। अच्छा, बच्चों को जो ट्रीट किया जा रहा है अभी तक, ये क्या सिर्फ पंजाब से किया जा रहा है या ओवरऑल पाकिस्तान? जी ओवरऑल पाकिस्तान से जी, हमारे जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट जो मैंने आपसे जिक्र किया कि 50-60-70 के करीब हैं, उन तक हमारी रसाई है। मतलब दे नो ऑलरेडी के पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन उन बच्चों के लिए माली मुआवनत करता है। तो ये पहला सोर्स होता है, जब भी कोई ज़रूरतमंद अपने डॉक्टर के पास जाता है तो वो उनको बता देते हैं कि जी आप फाउंडेशन से रब्ता कर लें। फिर हमारा अपना कॉल सेंटर मौजूद है जहाँ पर हमारे यू नो 24/7 इफ़ समबडी कॉल्स इन उनको वो फैसिलिटेट। रजिस्ट्रेशन का ये अमल बता रहे हैं जी? रजिस्ट्रेशन का अमल देखें, खुदा ना खास्ता किसी भी बच्चे के पेरेंट्स को पता चलता है जी उनके बच्चे के दिल में सुराख है, उनको तकरीबन 5-6 से 7 लाख रुपये इकट्ठा करना है, तो हर एक के लिए मुश्किल हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग हम ये कहते हैं कि आप हमारे फाउंडेशन से राबता कर लें जी। और राबता का तरीका ये है कि कॉल सेंटर से राबता हो सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट से राबता हो सकता है, फिर हम उनकी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करते हैं, उसमें तकरीबन को 30-40 मिनट्स में भाई आपके पास कितने पैसे हैं, आप ज़कात के मुस्तहिक हो नहीं हो, सो फाइनली ये बता दिया जाता है कि जी आप जो है ना वो 10% आप करें, आप बिल्कुल 0% करें। और बेस्ड ऑन हमारा एक अपना एक AI बेस्ड इंजन है कि भाई रहते कहाँ हैं, उनके करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, बेस्ड ऑन दैट हमारे नुमाइंदे उनको सजेस्ट कर देते हैं। फिर उस बच्चे की इलाज की जिम्मेदारी हम एज ए फाउंडेशन उसकी ओनरशिप ले लेते हैं। तो पेशावर में हम काम करते हैं, इस्लामाबाद में काम करते हैं, लाहौर में 2-3 हॉस्पिटल हैं उनसे, इसी तरह कराची में हम काम करते हैं। तो फरहान साहब, जो ट्रीटमेंट इस वक्त दी जा रही है चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन में, उसकी सक्सेस रेशो क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन जी, हमने अभी तक अल्लाह के फजल से 4,000 बच्चों की हार्ट की सर्जरीज को स्पॉन्सर किया है। वर्ल्ड वाइड जो मोर्टेलिटी जिसको एक्सेप्टेबल है वो अप्रॉक्सीमेटली 9-10% है। सही। हम लोग आर वी आर अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट 5-6%, और उसकी वजह यह है कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस कर भी नहीं पाते पाकिस्तान में। सही। क्योंकि ये भी वजह है कि मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ, मेरी साहबजादी को जो बीमारी थी वो थी उनका राइट वेंटिकुलर डेवलप नहीं हुआ था, तो शी वॉज बॉर्न विद उसका चैम्बर एक नहीं था, आमतौर पर तो चार चैम्बर होते। ऐसे बच्चों की 3-stage सर्जरी होती है। अच्छा। तो पहली सर्जरी तो ठीक हो गई थी आयशा की, फिर दूसरी सर्जरी में अल्लाह को कुछ और मंजूर था, उसका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद से फिर हमारी फाउंडेशन में ये आपने उसके बाद से सोचा कि मैं ये बनाऊं? जी आयशा की लाइफ में हमने आगाज़ तो कर लिया था, बट वो है कि आयशा के जाने के बाद कुछ ज़्यादा फोकस हमारा हो गया इस पर। तो क्या एज थी आपकी बच्ची की? पर जी एज क्या थी बच्ची की? आयशी जी, आयशा का 3 साल उम्र थी जब आयशा का इंतकाल हुआ। आई एम सॉरी। अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, और ऐसे एक सदमे के बाद लोग अक्सर चीज़ों को ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, और आपने सोचा कि अब मेरी बच्ची के साथ तो ये हो गया तो मैं किसी और के बच्चे के साथ ही नहीं होने दूंगा, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। जब हम अगर किसी को पता चल गया कि उसके बच्चे को ये इशू है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, उसके बाद फिर प्रोसेस कितना लंबा है कि वो उसका इलाज होगा? जी वो विदिन लाइक डेज फैसला हो जाता है, हमारी तरफ से विदिन 30 मिनट्स उनको पता चल जाएगा कि आपका जो बच्चे का टोटल खर्चा ये आ रहा है, आप इतने परसेंट दे सकते हैं, दे नहीं दे सकते तो फाइन, आप विदिन अ वीक डिसाइड कर लें। हमारी कोशिश होती है वो कुछ पोर्शन डालते हैं, अगर नहीं होता तो इट्स परफेक्टली ओके।
उसके बाद जी हम फाइनेंशियल इवेल्युएशन के बाद मेडिकल इवेल्युएशन करते हैं, डॉक्टर या हॉस्पिटल, वो भी पेरेंट अपनी मर्जी का चूज़ करते हैं। तो हम कहते हैं भाई आप अगर कराची में जिस भी डॉक्टर के पास जाना चाहते हो ये आपकी चॉइस है। और अच्छा, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं जी तो आप उधर पे करते हैं? जी जी, हम उन हॉस्पिटल से हमारा ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं, तो हम उनको डायरेक्टली उस पेरेंट के बिहाफ, बच्चे के बिहाफ पर वी डायरेक्टली पे टू द हॉस्पिटल। अच्छा, तो ये जो मसाइल होते हैं ये पता चला कि ऐसा क्यों, ये बच्चा क्यों पैदा होता है इस तरह से? जी ये ना, ये अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। देखें इस वक्त दो चैलेंज है हमारे, एक तो दुनिया में 1 out of 100 का इंसिडेंट रहता है जी, यानी यूएस में भी ऐसा ही है, यूरोप में भी ऐसा है, यूके में भी ऐसा है, पाकिस्तान में ये शरा ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2% है। हाँ, हम वो 1.5 से 2 को वापस ला सकते हैं 1 पर। उसके लिए दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो मदर की न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो क्या खा रही हैं बहुत क्रिटिकल है। सेकेंड, अगर फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मदर को खुदा ना खास्ता कोई हाई ग्रेड फीवर हो जाए या उनको शुगर है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी तरह की मरूसी बीमारी की सबब बन सकती हैं। सही। अगर इनको टाइमली देखा जा सके, और कोई मुश्किल नहीं है, देखें आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो एक पर्चा देते हैं, बिल्कुल उसको आप फॉलो कर लें, कोई ऐसी हाई फाई मतलब मुश्किल नहीं है, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। स्क्रीनिंग रखें प्रॉपर टाइमली जो जी, और मदर की यानी न्यूट्रिशनिस्ट जो वैल्यूज हैं वो पूरी होनी चाहिए। जी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। फिर ये है कि अर्ली जी आप कंटिन्यू। अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। देखें आमतौर पर ये होता है कि बच्चा पैदा होता है, अब हमने सबसे छोटा बच्चा 2 दिन का ऑपरेट करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें यह है कि अगर लेट बच्चे का डायग्नोस होता है तो फिर ट्रीटमेंट भी मुश्किल होती जाती है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा जो है वो बालिग होगा उसके बाद उसका ये हार्ट का इशू जो है वो सेट होगा। नहीं, ये भी बड़ा ज़रूरी है बात समझना कि देखें लोगों की सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल यकीन ना किया जाए। आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें पहले, तो पेडिटिशियन जो बच्चा पैदा होता है फ़ौरन उसको चेक करता है, अगर उसको शक हो कि भाई बच्चे का हार्ट का मसला है तो वो पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देता है। अब आप अपना सब कुछ उस कार्डियोलॉजिस्ट के को सुपुर्द कर दें, मैं ये लाजमी में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की बात सुनेंगे तो आप कभी भी सुने एक्सपर्ट ओपिनियन, और वो कहें कि भाई अगर टाइमली बंद हो सकता है फाइन, अगर वो कहें कि जी दवाई से बंद हो सकता है फाइन, बट बहुत कम केसेस आएंगे, अल्टीमेटली कोई ना कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वक्त के किले जाते जाते आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे शुरू में आपने बोला एक अस्पताल बन रहा है लेकिन स्टिल डेफिसिट है अभी, तो उस डेफिसिट को दूर करने के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें हमारे इस मीडियम के? जी जरूर। एक तो मैं ये चाहूंगा जी, हमें 10 साल लगे, हमने 1 अरब और 60 करोड़ इकट्ठा किया आप सब लोगों की मदद से, और 4,000 बच्चे ऑपरेट। अब अगर हम 4 अरब इकट्ठा कर लेंगे आप सब लोगों की मदद से, तो हम ये एक ऐसा हॉस्पिटल बना सकेंगे जहां पर सालाना 2,000 बच्चे ट्रीट हो सकेंगे। तो बड़ा सिंपल सा है कि जी अपना हिस्सा डाल दें, 1 रुपया से लेकर 1 अरब, व्हाटएवर अल्लाह ने आपको तौफीक दी उसमें अपना हिस्सा।